Chef, voy a ayudar. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुमा केसरी हम आलू और पालक का एक सब्जी बना रहे हैं और थोड़ा क्रिस्पी भिंडी बना रहे हैं, कुरुम भिंडी जो बनता है। खाना बनाने का शौक कब से? बचपन से ही एक्चुअली, जब मेरे माँ ने मुझे सिखाया था खाना बनाने के लिए, तो बचपन से हम खाना बनाते रह रहे हैं। मैं खाना बनाते आ रहा हूँ तो बहुत मज़ा आता है। ये मेरे लिए एक स्ट्रेस फ्री वाला काम है। आपको पसंदीदा खाना कौन सा है जिसको आप बनाकर खाना? आप बताओ जो आपको खाना है। कॉलेज में भी बनाता था। आप बताओ जो आपको खाना है। ग्रामीण इलाके में आप आए हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि आपका पसंदीदा खाना कौन सा है। मेरा तो काफी अलग अलग चीज है, लेकिन अगर घर पे खाना है तो मेरा बस एक घर पे बनता है वरण दाल, जो मराठा वरण दाल होता है वो होता है, उसके साथ कुरुम भिंडी, चावल और घी बस, और थोड़ा सा टमाटर का अचार, बहुत ही खुशी में उसके साथ। तो ये मेरा मनपसंद खाना है। आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, क्यों, ऐतिहासिक तौर पे लोग ऐसे ही साथ समय बिताते थे, गांव गांव में जाके खाना वाना खाना पकाना, इससे विश्वास और प्यार बढ़ता है सबके बीच में। आप एक सिंधिया परिवार से आते हैं, तो ग्रामीणों का काफी वो था कि गांव में युवराज आ रहे हैं, उन्हें देखेंगे, काफी लोग यहाँ इकट्ठा भी हुए, लेकिन आपने एक आम नागरिक की तरह लोगों के बीच पहुंचकर यहाँ खाना बना रहे हैं, और इस तरीके से ग्रामीणों को भी काफी अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? इन्होंने बताया नहीं तो मैं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है, ठीक है। पहले खाना चख लो फिर बोल दो अच्छा लग रहा है कि नहीं। पर है ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं, ग्रामीण लोगों से मुलाकात चल रही है जी। किस तरीके से लग रहा है आपको, कैसा लग बहुत, रहा है? बहुत मजा आ रहा है हमारे आदिवासियों के बीच में समय बिताना। अभी आज शाम को हम साथ में बात चर्चा कर रहे थे, उनके क्या मांगे शिकायत है, उसके साथ साथ हम आराम से बैठ के गीत गा रहे थे, और फिर हमने निर्णय लिया कि चलो साथ में भोजन भी खा लेते हैं। तो हम यहाँ बैठ के सबके साथ भोजन बना रहे हैं, ताकि हम सब साथ में बैठ के शाम को खाना खाएं। और खाने, जब आप साथ में खाना खाते हैं तो आप लोगों के बीच में प्यार विश्वास बढ़ता है। खाना एक अनेक चीज है जिसके द्वारा जो किसी व्यक्ति का संबंध जो है और मजबूत होता है। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ हमेशा खाना बनाता हूँ, उनके साथ खाता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ अलग मजा है। वैसे आप पसंदीदा खाना कौन सा है जो दोस्तों के साथ बनाते हैं और आज इन आदिवासियों के बीच बनाया है आपने? तो अब आज ये मेरा मनपसंद है पालक और आलू की सब्जी, और ये कुरुम भिंडी जो है क्रिस्पी भिंडी, तो आज हम ये बना रहे हैं। लेकिन आपने पहले मुझे पूछा था मेरा मनपसंद खाना क्या, जब मैं घर वापस आता हूँ तो ये वरण वाला दाल। तो अगले बार हम आपको वरण वाला दाल खिलाएंगे, ठीक है? ये मराठा दाल होता है, अलग दाल होता है, और उसके साथ साथ वो यही भिंडी, थोड़ी सी अचार और चावल और घी। आदिवासियों के साथ आपका काफी समय गुजर रहा है जी, तो किस तरीके से देखते हैं इसको? मुझे बहुत मजा आता है लोगों के बीच में, चाहे आदिवासी हो चाहे कोई और हो, लोगों के बीच में बहुत मजा आता है उनको जानना पहचानना समय बिताना। तीसरे चरण का मतदान नजदीक है, 7 मई को गुना लोकसभा के लिए वोट डाले जाने जी, ऐसे में लोग कह रहे हैं कि सिंधिया परिवार इस बार कुछ ज्यादा मेहनत कर रहा है, ऐसा ऐसे आपको लग रहा है, लेकिन हम हमेशा इतने ही मेहनत करते हैं और हमेशा अपनी जो जनता है, परिवार है, उसके बीच में रहते हैं। तो इस साल कोई कुछ अलग नहीं है। इस बार मेरे पास और समय है, क्योंकि मैं कॉलेज से भी वापस आया, तो मेरे पास अपनी जनता के बीच में बिताने के लिए और समय है। तो आपको इसलिए लग रहा होगा कि मैं और इसमें एफर्ट डाल रहा हूँ।
आपके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, ऐसे में आप चाहते तो दूसरी फील्ड चुन सकते थे, लेकिन आपने ग्रामीण क्षेत्रों में आकर सेवाएं करना, जन सेवा में लगे, तो क्या सक्रिय राजनीति है? नहीं, ये राजनीति नहीं है, ये मैंने जैसे कहा ये हमारे दिल से आता है। लोगों के बीच में बैठना, समय बिताना, ये चीज जो है दिल से आना चाहिए, ये एक रोजगार की तरह नहीं देखना चाहिए आपको। वैसे आप जानते हैं कि मेरा जो फोकस है मेरे स्टार्टअप पे है, लेकिन उसके साथ साथ इस परिवार के साथ साथ कोई कई और जिम्मेदारी भी आती है।